मुकाबले में है राहुल गांधी? हाँ, 24 में मोदी जी आएंगे। मोदी जी 24 में नहीं, मोदी जी 20 साल तक लगातार आएंगे। भाजपा ही आएगी, कहने का मतलब है भाजपा का मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। यहाँ कह रहे हैं कोई काम ही नहीं किया भाजपा ने। अरे भाजपा ने काम नहीं किया तो भाजपा क्यों रही है? कह रहे हैं लोग ये कुछ काम ही नहीं किया, महंगाई बढ़ गई, सबका कैसे हो जाएगा? ये तो सब सोचते हैं हमें घर बैठ के आ जाए, घर पे पहुँचा दे। काम तो हो ही रहा है, आप देख लो, आपके हिसाब से काम नहीं हुआ क्या? हम तो पूछ रहे हैं ना भाई, रोड ले रहे हैं, रही है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, सबका विकास हो रहा है, सबको कोरोना जैसी महामारी में, लॉकडाउन में सबको मुफ्त कनक दी, राशन पहुंचाया, हर किसान को 2000 रुपये हर 3 महीने से मिलता है। गठबंधन बन रहा है केजरीवाल से लेकर नीतीश कुमार से लेकर ममता बनर्जी के साथ में। अब ये तो सब गिद्दड़ है जी, ये तो सब गिद्दड़ हो क्या है कि एक शेर का वो शिकार करने चले हैं। ममता बनर्जी है, चाहे लालू प्रसाद यादव है, चाहे अखिलेश यादव है, चाहे ये सब क्या है, ये भूखे शेर हैं ये कांग्रेस वाले सब। इनको ये चाहिए कि कैसे भी करके सत्ता में आ जाएं, एक बार देश का अपनी सत्ता अपने पास आ जाए ना, फिर देश का बड़ा बेड़ा गर्क कर देंगे। इनको मतबल नहीं है जनता से, जनता का मतबल सिर्फ मोदी जी को है, मोदी जी या योगी जी या बीजेपी में हो सकती है, उनसे नेता है पर चलती नहीं है, चलती मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी, उनसे बेहतर नेता कोई नहीं आया आज तक देश में, ना कोई आएगा। क्या लगता है आपको जब तक जीवित कर पाएंगे? जब तक जीवित हैं, राजनीति में हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ही रहेंगे, उनको अभी कोई हटाने वाला इस जन्म में तो पैदा नहीं हुआ, कोई भी नहीं। जब तक इच्छा मृत्यु है इनको, जब दिल्ली से लेकर यूपी से लेकर बिहार तक सब इकट्ठे हो रहे हैं लाइन में, जब तक जीवित हैं, राजनीति में हैं, उनकी इच्छा है प्रधानमंत्री वही रहेंगे। नाटक हरा दिया अभी, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की थी ना, उसका रिजल्ट मिल गया, अब तो रिजल्ट 2024 में मिलेगा, 350+ ऐसा दिखाई देता। जनता किसी के साथ नहीं, कुछ मुद्दा है कुछ की थोड़ा बहुत मुद्दा, क्या कोई मुद्दा नहीं, महंगाई मुद्दा कह रहे हैं ये लोग। आदमी की उम्र बनती बढ़ती है, एक क्लास से आदमी दूसरी क्लास में पहनता है, क्लास 1 से आदमी 10 तक पहुंचता है, वैसे ही महंगाई है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, आदमी की तरक्की होती है, उम्र बढ़ती है वैसे ही महंगाई बढ़ती है। क्या लगता है कोई मुद्दा है 24 में? मोदी आएंगे 100%। भाई कांग्रेस सिलेंडर लेकर घूम रही है, जो भी होगा मोदी आएगी, ये तो पक्की बात है। कोई एक आध मुद्दा तो होगा, मोदी आएगी, काम ना हुआ हो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन 100% मोदी आएंगे, बिल्कुल मोदी। लेकिन आ रहा मोदी जी के अलावा कोई देश में दूसरा ऑप्शन क्या आप बता दो, आपको कोई दो ऑप्शन लगता है मोदी जी के अलावा कोई ऑप्शन है क्या इस देश में? मोदी जी के अलावा कोई ऑप्शन? कर्नाटक में कांग्रेस आ गई तो कह रही है, वहाँ पे तो कह रही है राज कर रही है भाजपा। चलो हो सकता है वहाँ के क्षेत्र के जो नेता थे भाजपा के, वो उनको संतुष्ट नहीं कर पाए, मोदी जी ने फिर भी कोशिश की, फिर भी 79-80 तो यही कह रहा है कि फेलियर है मोदी जी का वहाँ पर। अरे विपक्ष तो कहेगा जी, अगर मोदी कुछ भी कर देगा विपक्ष यही कहेगा मोदी फेलियर है। वो तो कैसे भी करके 2024 में सत्ता हथियाना चाहते हैं, पर सत्ता में आएंगे नहीं। जनता इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है कि गिद्दड़ों को देश का राजा बना दे, देश का राजा तो शेर ही रहेगा, शेर ही था। शेर कौन है अंकल जी? मोदी है शेर। मोदी है 24 में क्या लगता है आ पाएंगे? आएंगे, जरूर आएंगे। कुछ काम धंधा किया ही नहीं है, बतेरा काम कर दिया और क्या करना है। महंगाई इतनी बढ़ा दी, क्या करेंगे ऐसे शेर का? कहाँ महंगाई है, विपक्ष वाले बोल रहे हैं कोई महंगाई नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार है और मैं राजस्थान से आता हूँ, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, मैं खुद राजस्थान, गहलोत जी हमारे मुख्यमंत्री जी है, और सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल राजस्थान में महंगा मिलता है। आप अभी देख लो, नेट पे सर्च कर लो, सबसे ज्यादा महंगा है ना राजस्थान में ही है पेट्रोल डीजल, और सबसे ज्यादा महंगाई राजस्थान में है, और राजस्थान में जगह जगह पर डाकू चोर रख दिया। आज यूपी देख लो, बाबा आने के बाद जीरो टर्नलेस हो गया, मतलब इस बार क्या लग रहा है वहाँ पर? कहाँ पर? राजस्थान में भाजपा आएगी भाई? थोड़ा बहुत बेनीवाल साहब का भी वहाँ पे वजूद है, वो आएंगे दोनों मिलकर साथ में, हनुमान बेनीवाल जी और भाजपा वाले, पर कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस खत्म है, खत्म थी, खत्म रहेगी। लगता है आपको खत्म है कांग्रेस? क्या सही बोले यार, सही बोले। कुछ तो ऑप्शन होगा, इतने विपक्ष इतना है बड़ा बड़ा विपक्ष, कांग्रेस को ना मौका मिला है, अगर तुष्टि करेगी राजनीति करना बंद कर देना तो पूरे देश में आ सकती है, लेकिन वही गंदा राजनीति। हाँ अभी स्टार्ट जैसे कर्नाटक में आया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे उस रैली में, उसने कोई एक्शन लिया? उन पर कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उसको वोट बैंक वाले थे। ये यही गलती करती कांग्रेस, अगर ये इस रास्ते से हट न्यूट्रल रास्ते पे चलेगी ना तो फिर से सत्ता में आ सकती है, लेकिन उसको करना नहीं है। उसको 80 करोड़ के भारी है 20%, और ये गंदी राजनीति बंद कर दे कांग्रेस फिर से सत्ता में आ सकती है। 80% 20 है क्या? हाँ वही कांग्रेस करती है, वो आरोप लगाती है बीजेपी पे, कांग्रेस करती है 80-20।
बीजेपी नहीं करती, 80-20 कांग्रेस करती है। आप देख लो किसी मुस्लिम भाई ने मांग किया था कि बजरंग दल पर बैन कर दो, हाँ, लेकिन इसने खुद मुद्दा उठा दिया, बजरंग दल को बैन कर दो, PFI को बैन कर दूंगा। तो PFI तो पहले से बैन है, बाजू तो हार गए वहाँ पर। क्या वहाँ पे लॉलीपॉप लिखा के लिया ना, जैसे राजस्थान के लोगों को लॉलीपॉप दिखाया था ना, 6,000 देंगे हर महीना, वही लॉलीपॉप दिखा के लिया है, फिर समझ में आ जाएगा उनको, वहाँ की जनता को समझ में आ जाएगा। अभी आप देखो ना, मुख्यमंत्री पद के लिए तो होने लगे था लड़ाई ना, कि कौन बैठेगा कौन बैठेगा, कंप्रोमाइज हुआ कि तुम तेरे को ये मालाजदार पोस्ट देंगे, ये पोस्ट देंगे, सेटिंग हो गया। दिल्ली में केजरीवाल जी, अखिलेश यादव जी, बिहार में नीतीश कुमार, ममता बनर्जी साथ साथ आ रहे हैं अब। इसके पहले भी 17 चोर एक साथ थे, 17 चोर एक साथ थे, इससे पहले भी तो क्या कर लिया मोदी जी को, 282 फिर 302 वो किस लिए आ रहा है फिर, एक साथ क्यों आ रहा है, अकेला क्यों नहीं लड़ रहा है, मोदी जी काम नहीं कर रहा है, बात अलग है, लेकिन अकेला क्यों नहीं लड़ पा रहा है। CBI से लेकर ED तक सब इनके अंदर में है, सारे विपक्षियों को अंदर कर डाला, तो अकेला लड़ के दिखाना फिर, अकेला लड़ो भी ना। CBI पहले भी ना सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही थी, बट उनको पावर नहीं दिया था कि आप एक्शन लो, चोरों को छूट दे दो। अभी चोरों को पकड़ रहे हैं तो दिक्कत हो रही है। CBI पहले क्या, CBI क्या प्राइवेट संस्था है, CBI के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है कि सरकारी संस्था है, पहले उसको पावर नहीं दिया गया था के अंदर में ही है ना, जैसे कश्मीर में पहले आर्मी को पावर नहीं दी गई थी, थोड़ा सा पत्थर मार दे, आज क्या पत्थर मार के दिखा दे, वही बात है। CBI को भी पहले क्या काम है, CBI का हमारा करप्शन दूर करना, चोरों को पकड़ना, घोटाले को पकड़ना, आज एक्शन काम कर रही तो अच्छी बात है ना। जेल के अंदर विपक्षी क्यों है सारा, विपक्षी क्यों है सारा, वही चोर है, तभी तो आज सत्ता बात है। पहले कांग्रेस गवर्नमेंट में ना पता नहीं चल रहा ना, संसद तिहाड़ में या तिहाड़ संसद में है, कनी मोजी ए राजा सब तो जेल में ही रहते थे, कलमाडी जेल में था, वो AICU का अध्यक्ष था, वो इतना साल से इजा था ना, आज तक हमारा देश के बच्चे मेडल लेके आए थे, जब से BJP गवर्नमेंट आई तो मेडल आने लग गया। मोदी जी ईमानदार है तभी विपक्ष को जेल में डाल रहे हैं ना, मोदी जी अगर चोर होते तो वो डरते कि यार कहीं कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो मुझे अंदर ना डाल दे, वो भी तो अंदर जो ईमानदार रहेगा ना वो कहेगा भाई इसके खिलाफ कार्रवाई करो, क्योंकि मोदी जी ईमानदार है, सबको पता है मोदी जी का आज परिवार अपनी जिंदगी जी रहा है, योगी जी की बहन अपनी जिंदगी जी रही है, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है क्या, बता दो, योगी जी के परिवार अपने जी, यहाँ पे एक बार कांग्रेस का कोई विधायक बन गया ना, हजारों 7 पीढ़ियाँ आराम से बैठ के खाती है, नहीं खाती है तो बता दो, हर जगह ये केजरीवाल जी आए थे, हम तो आम आदमी है जी, हम तो आम आदमी है, आम आदमी 1-1 लाख के तो पर्दे लगाते हैं घर में, हैं 10-10 लाख के बेड लगाते हैं, और मकराना से मार्बल मंगाते हैं, और 1.5 करोड़ की BMW से, और वो मफलर कहाँ गया, फिर केजरीवाल जी को आप पूछो मफलर कहाँ है, वो मफलर उड़ गया भैया जी, सब ये दिखावटी है, वो राघव चड्ढा क्या बड़े बड़े हीरोइनों से बढ़िया शादी कर रहे हैं, मर रही है जनता ना करे क्या, ये आम आदमी कुछ नहीं है भैया, शादी करनी चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ आम आदमी कुछ नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं ना, मैं शादी की नहीं, शादी हर आदमी करता है, करना चाहिए, पर ये जो दिखावटी कर रहे हैं हम आम आदमी है वो नहीं कहना चाहिए, आम आदमी आप नहीं हो, आम आदमी को आपने रगड़ के रख दिया भैया। केजरीवाल देश में ना मोदी के पास सबसे अच्छा नेता है, हाँ सबसे अच्छा नेता, सही में जनता के लिए वो कर रहा है, जो फंड जाता था जनता से आता था टैक्स आता था वो पूरा अपने यूज करता, लेकिन जनता के लिए कर रहा है, ये अच्छा बात है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल मजबूरी है कि उनको भी तुष्टीकरण वाला राजनीति करना पड़ रहा है, पॉलिटिकल मजबूरी है, लेकिन कुल मिला के वो अखिलेश यादव ममता बनर्जी से तो अच्छे हैं, केजरीवाल जी वो जनता के लिए कर रहे हैं, हाँ भले पॉलिटिकल मतभेद है आपस में वो लोग का, लेकिन केजरीवाल देश के लिए अच्छा इंसान, अच्छे नेता है, जनता के लिए अच्छे नेता है। क्या लगता है आपको, 24 मोदी जी है लगता है, और क्या है मोदी जी, और क्या है लगता है, वोट बनी हुई है आपकी, हाँ वोट है मेरी, मोदी जी को वोट दिया, आगे रहेंगे जब तक तो मोदी जी को, क्या देख लिया है साहब, देख लिया बस, जो देखना था वो देख लिया, विश्व का एक नंबर नेता है, कहीं बैठा है किसी कुर्सी पे, जो सत्य विश्व का नेता वो एक नंबर नेता, वो आज भारत के प्रधानमंत्री है, तो फिर क्या चाहिए और।